नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। शहर के मध्य स्थित कंठाल चौराहे से छतरी चौक की बदलेगी सूरत, महापौर ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ किया अवलोकन। कंठाल चौराहे से छतरी चौक मार्ग शहर के मध्य स्थित एक अत्यंत व्यस्ततम मार्ग है, जो गोपाल मंदिर, महाकाल मंदिर, शिप्रा नदी जाने के लिए यात्रियों को सुगमता प्रदान करता है। इस मार्ग पर दोनों ओर कतारबद्ध दुकानें स्थापित हैं, मगर मार्ग सकरा होने के कारण यहां आए दिन चक्का जाम की स्थिति बन जाती। कई बार इस मार्ग का चौड़ीकरण करने हेतु सर्वे भी हुए, वहीं यातायात विभाग द्वारा भी इस मार्ग पर कई प्रयोग किए गए, मगर स्थिति जस की तस रही। अब महापौर मुकेश टटवाल ने स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, क्षेत्रीय पार्षद प्रकाश शर्मा, रजत मेहता के साथ इस मार्ग का अवलोकन किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के इस पुराने बाजार को नया रूप देकर विकसित किया जाना है, जिसमें सड़क का चौड़ीकरण, नो व्हीकल जोन सहित सौंदर्यीकरण के विकल्प मौजूद हैं। इस बाबत महापौर ने निरीक्षण कर स्मार्ट सिटी अधिकारियों को जल्दी पूरे प्लान का लेआउट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए महापौर मुकेश टटवाल व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सीईओ आशीष पाठक ने बताया, ये हमारे उज्जैन का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, तो हमारी ऐसी कल्पना है कि इस मार्ग को बहुत ही खूबसूरत मार्ग बनाया जाए और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस विषय को लेकर के यहाँ पे हमने सारे व्यापारियों से चर्चा की है। हमारे जो क्षेत्र के लोग भी प्रशासन, हमारे प्रभा जी शर्मा जी हमारे साथ हैं, और इसकी एक बढ़िया सी डिजाइन बना करके हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब आप लोगों के सामने ये मार्ग है, इसको क्या वन वे किया जाएगा या नो व्हीकल जोन किया जाएगा, इसको विचार करा जा रहा है क्या? दो तीन विकल्प है, चौड़ीकरण है, नो व्हीकल जोन है, या वन वे कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से लोगों का आगमन यहाँ पे बढ़े, और हमारा एक उज्जैन में ऐसा भी मार्ग बने इसमें लोग मार्ग को देखने भी आए, इसी कल्पना को लेकर के यहाँ पर आए और शीघ्र आपके सामने उसका पूरा मॉडल होगा। एक्चुअली ये जो हमारा पुराना मार्केट है, काफ़ी सक्रिय जगह है, तो महापौर जी की मंशा थी कि एक बार इसको हम लोग स्ट्रीट फॉर पीपल के रूप में डेवलप कर दें। माने इसका मतलब ये है कि एक तो दोनों तरफ का फसाद हो जाए, पार्किंग की क्या संभावना हो सकती है, और दूसरा इसको नो व्हीकल जोन बना के हम इसको ताकि जो अभी एक बिजनेस में भी लोगों को आने में दिक्कत होती है वो हो जाए। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया है, हमारी टेक्निकल टीम हमारे सामने साथ में थी, और एक दो दिन में वो सर्वे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कैसे इसको स्ट्रीट फॉर पीपल बना पाए उस पर विचार करेंगे। वार्ड क्रमांक 6 में नगर पालिका निगम द्वारा जन सेवा केंद्र का किया गया शुभारंभ, नागरिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 6 स्थित मोहन नगर शासकीय विद्यालय में जनसेवा केंद्र का शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, प्रभारी निगम आयुक्त आदित्य नागर की उपस्थिति में किया गया। जनसेवा केंद्र पर नागरिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, साथ ही यहाँ पर योजनाओं के आवेदन भी कर सकेंगे। जनसेवा केंद्र के शुभारंभ पर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि वार्ड के रहवासियों को नगर निगम में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ जनसेवा केंद्र पर कर्मचारी उपस्थित रहकर शासन की समस्त योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचाएंगे। इस हेतु प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप जनसेवा केंद्र में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय MIC रजत मेहता, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, पार्षद सत्यनारायण चौहान, गब्बर भाटी, गजेंद्र हिरवे, विजय सिंह कुशवा, राजेश बाथम, सुशील श्रीवास, अंजलि बालकृष्ण पटेल, भारती चौधरी, लीला वर्मा, मंडल अध्यक्ष मनीष चौहान, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा, केसर सिंह पटेल, सहायक आयुक्त श्रीमती पूजा कोयल, तेजकरण गुनावदिया, जोनल अधिकारी राजकुमार राठौर के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आज हमारे वार्ड क्रमांक 6 में हमने जन सहायता केंद्र का प्रारंभ किया है। चुनाव के समय हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक वार्ड में हम जन सहायता केंद्र खोलेंगे, उसी के अंतर्गत हम सारे वार्डों में इस प्रकार के सहायता केंद्र खोल रहे हैं, जहां पर हमारे नगर निगम की योजनाओं के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश सरकार की सारी योजनाएँ, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी दे सके और उनके क्रियान्वयन में हम सहयोग कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर के कार्यालय प्रारंभ किया। 7 दिवसीय सेवा सप्ताह के अंतर्गत अम्बोदिया ग्राम स्थित सेवाधाम आश्रम में बच्चा पार्टी का आयोजन किया गया, खेल व व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया बच्चों ने। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 7 दिवसीय सेवा सप्ताह अंतर्गत अनूठी विशाल बच्चा पार्टी का आयोजन किया गया,
यह परिकल्पना सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल की थी। इसके अंतर्गत आश्रम के विशेष बच्चों का समन्वय ग्रामीण क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ था, जिससे उनके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आए, वो बच्चे खुलकर आयोजन का लाभ प्राप्त कर सकें। बच्चा पार्टी हेतु श्रीमती कांता भाभी के साथ मोनिका बाजोरिया एवं गौरी गोयल के साथ अनेक जिम्मेदारियां बच्चों ने निभाई। बच्चा पार्टी में बच्चों हेतु ज्ञानवर्धन, खेलकूद, रोचक जानकारियों के साथ मिक्की माउस, आउटडोर इंडोर गेम्स, डीजे, बच्चों हेतु विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की गई। बच्चा पार्टी में समस्त बच्चे अनेक गानों पर खूब थिरके। इस अवसर पर ग्राम अम्बोदिया के समाजसेवी महेंद्र छाड़िया, पंडित शंकरलाल शर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद वर्मा सहित अनेक विशिष्ट जन मौजूद थे। नई सड़क पर मकान तोड़ने के दौरान मजदूर पर गिरा पिलर, मौके पर ही हुई मृत्यु, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नई सड़क पर मकान तोड़ रहे मजदूर पर पिलर आ गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहां पूर्व से बने मकान को तोड़ने का काम चल रहा था। मकान का अधिकांश हिस्सा टूट चुका था। सुबह 3 मजदूर मकान का पिलर गिरा रहे थे, उसी दौरान सुनील पिता लक्ष्मण नाथ निवासी रतलाम पर पिलर आ गिरा, जिसके नीचे दबने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे साथी मजदूर राहुल निवासी नयापुरा जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टर ने शव पीएम रूम में रखवाया और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि निर्माण तोड़ते वक्त सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं थे। इस बाबत राहुल ने बताया, मकान तोड़ दिए थे, पिल्लर आया एकदम, उसे पिल्लर एकदम टकराया, गिर गया छोरा नहीं सड़क पे। काम कहाँ चल रहा था? नहीं सड़क पे। मालिक का नाम क्या था? मालिक का नाम मालूम नहीं। आपने क्या उसको रेंट पे क्या लिया था? टेंडर लिया था उसका? नहीं टेंडर नहीं, मगर तोड़ने का काम लिया था। भोपाल से जावरा शराब ले जा रहे वाहन की हुई कटिंग। दताना के पास चलती गाड़ी से उड़ाई 12 पेटी शराब। फरियादी काट रहा थानों के चक्कर, नहीं हो रही कार्यवाही। दरअसल 30 अक्टूबर दोपहर 3 बजे भोपाल के राजीव नगर में रहने वाले ज्ञानेश भंडारी अपने साथी रोहित उर्फ छोटू मीणा के साथ भोपाल के ABR लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वेयर हाउस से 90 पेटी शराब लेकर निकला था। ज्ञानेश को यह खेप रतलाम जिले के जावरा तहसील अंतर्गत लुहारी गांव स्थित सरकारी शराब गोडाउन में पहुंचानी थी। 30 तारीख की रात लगभग 10 बजे ज्ञानेश भंडारी को पीछे से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने दताना के पास रोककर बताया कि उसकी गाड़ी से चोरों ने कटिंग कर कुछ सामान चुरा लिया। वाहन से चोरों ने 12 पेटी शराब निकाल ली थी। चोरी की घटना की जानकारी ज्ञानेश ने डायल 100 को दी, जिसके बाद पुलिस उसे नरवर थाना छोड़ गई। नरवर थाने से उसे बताया गया कि घटनास्थल देवास के बैंक नोट प्रेस थाने के अंतर्गत आता है। ज्ञानेश BNP थाने पहुंचा तो वहां से उसे नरवर थाने भेज दिया गया। परेशान होकर ज्ञानेश मंगलवार को उज्जैन पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने पहुंचा, वहां से भी उसका आवेदन लेकर उसे रवाना कर दिया गया। अब वह नागजिरी थाने के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर पुलिस की मदद का इंतजार कर रहा है। ज्ञानेश ने बताया कि उसकी गाड़ी का परमिट 31 तारीख की रात 2:19 तक का था और वह 3 दिनों से थाने के बीच झूल रहा है। एक तरफ तो यहाँ उसकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही और दूसरी ओर शराब कंपनी का मालिक उसे डरा धमका रहा है। मैं भैया भोपाल से निकला था और जावरा के लिए, और मेरी गाड़ी में कंपनी की दारू थी, आबकारी विभाग की। ठीक, मुझे आबकारी विभाग में छोड़ना था उसको। फिर मैं भोपाल से निकला 3 बजे, फिर मैं चला देवास नाके पहुँचा। देवास नाका पार किया मैंने, बढ़िया चला आ रहा था। फिर नरवर के आसपास कुछ लुटेरों ने मेरी गाड़ी पे चढ़ गए और मुझे पता भी नहीं चला कि कब चढ़ गए वो। ठीक, फिर मैं आया और दताना के पहले ही मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने रोका, आगे आके कहता भैया तुम्हारी गाड़ी कट गई है। फिर मैंने उतर के देखा, मैं फिर भगा वहाँ से। भगने के बाद मैंने डायल 100 को फ़ोन लगाया और डायल 100 मुझे मिली। फिर उसके बाद डायल 100 मुझे नागाझीर थाने पे ला के छोड़ दिया है और मैं चार दिन से यहीं पर हूँ, भूखा प्यासा हूँ। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी पेटियाँ जो है वहाँ पे आपकी चोरी हुई हैं? गिनती की थी तो 12 पेटियाँ चोरी हो चुकी हैं। कितनी पेटी थी कुल उसमें? 90 पेटियाँ थी। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे आप? भोपाल से जावरा। जावरा लेके जा रहे? जावरा। BNP थाने भी आप गए थे वहाँ पे? हाँ, BNP थाने में गया था।
वहाँ से एक कॉन्स्टेबल मेरे साथ आए और वो उनने पूरा स्पॉट देखा। उनने ये बोला यहाँ से हमारी सीमा समाप्त होती है, यहाँ से नरवर थाने की सीमा चालू हो जाती है। नरवर थाने पे आपको क्या कहा? नरवर थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर मुझसे ये कहा गया है कि आपकी गाड़ी BNC थाने जाइए, आप वहाँ से होएगा आपका काम, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। और जबकि कहते हैं आपकी गाड़ी वहीं से लूटना चालू हुई थी। अब ये चीज़ थाने वालों को कैसे पता है कि मेरे वहाँ से लूटना चालू हुई मेरी गाड़ी? और जब मैं उनके थाने क्षेत्र पे आया के रुका तो कहते हैं ये हमारा थाना क्षेत्र नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ परेशान होते हो? कब निकले थे? कितनी तारीख को निकले थे? 30 तारीख को निकला था मैं। अच्छा, 30 की रात को घटना हुई? हाँ, 30 की रात को घटना हुई। जब से आप यहाँ पर भटक रहे हैं, जब से थाने भटक रहा हूँ, SP कार्यालय भी गया, वहाँ से भी आवेदन मिला, मगर नरवर थाने के TI ने उसको देखा तक नहीं आवेदन को, और मुझे धुतकार के भगा दिया गया वहाँ से। उज्जैन से दुपहिया वाहन से इंदौर जा रहे दो सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान एक की हुई मृत्यु। शिकारी गली निवासी मोहम्मद लियाकत हुसैन उम्र 54 वर्ष शनिवार दोपहर अपने स्कूटर से दोस्त अशोक पिता रामचंद्र निवासी पवासा के साथ इंदौर जा रहे थे, तभी सामे रोड पर पीछे से अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। हादसे में अशोक को मामूली चोट लगी जबकि लियाकत गंभीर घायल हो गए, जिनका सांवेर शासकीय अस्पताल में इलाज के बाद उज्जैन के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां रात्रि उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। घटना के बाबत परिचित रफीक खान ने बताया, ये शनिवार की बात है, इंदौर जा रहे थे, लगभग 2 बजे की बात है, कोई 4-व्हीलर थी, ये 2 लोग थे, एक पीछे बैठा था, ये चला रहे थे, उसने पीछे से इसको टक्कर मारी तो ये 2 ही बेसुध हो गए और इनको अपने आप में होश नहीं रहा। एक जो साथ वाला था उसको कुछ हल्का हल्का कुछ मालूम था कि कुछ गाड़ी कौन सी है, 4-व्हीलर गाड़ी थी, और जो लोग और लोगों को डैमेज किया उसने, तो वो लोग बताने को तैयार हैं, बाकी हमने उनसे संपर्क नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि जो टोल है, इंदौर टोल, अरविंदो टोल, तो उसमें जो है कि वहाँ से फुटेज की जानकारी हमें मिल जाएगी, वहाँ बात हो चुकी है हमारी। वो भर्ती कहाँ पर है अभी? वो नहीं, वो उसके घर पे, उसके मामूली खरोच वगैरह है, इनको ज्यादा लगी थी। माकल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जन सुनवाई में शिकायत के बाद दूसरा पक्ष भी पहुँचा SP ऑफिस ज्ञापन देने, लगाए आरोप। दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आरोपीगण रितेश माली, छोटू माली, लोकेश माली, अरुण माली, समस्त निवासीगण जयसिंहपुरा उज्जैन द्वारा महाकाल कॉरिडोर के गेट के पास वाले स्थान पर फूल प्रसादी की दुकान नहीं लगाने देने के कारण संजय भाट पिता धर्मेंद्र भाट एवं गोलू भाट पिता मोरध्वज भाट के साथ प्राणघातक हमला चाकू एवं लठ से व पत्थरों से किया। उक्त हमले में संजय भाट और गोलू भाट गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना महाकाल में की गई, किंतु धारा 307 के स्थान पर धारा 323 व 324 का प्रकरण दर्ज किया गया। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज करवाया गया। अस्पताल से वापस आने पर आरोपीगण रितेश माली, छोटू माली, लोकेश माली एवं अरुण माली ने अपने घर की महिलाओं के माध्यम से दबाव बनवाया और राजीनामे की बात कही। कहा, तुमने यदि राजीनामा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारे खिलाफ जन सुनवाई में झूठा आवेदन देकर तुम्हें ही झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे। हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारे खिलाफ एक झूठी शिकायत जन सुनवाई में की गई है और असत्य आरोप लगाए गए हैं कि हम हफ्ता वसूली करते हैं। हमें अब इनसे जान का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये लोग हमारे साथ कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। जी भाई साहब, 19 तारीख की घटना थी। एक हमारा बालक है, भतीजा अपना, उस पे एक चाकू मारा गया था उसको, तो उसको इतनी लगी हुई है कि 307 का केस बनता है। तो अभी तक क्यूरी वगैरह भी हो गई है, बालक की छुट्टी भी हो गई है, वो 307 का वैसे सीधा सीधा सा केस है, बाकी अभी तक धाराएं उस पर बढ़ी नहीं। 323 और 24 में कायमी करके उसको छोड़ दिया गया, और जो ऑपरेशन चल रहा था उसके बीच में भी उनने थाने से ही मतलब जमानत करवा के उनको छोड़ दिया गया। और इस केस को कमज़ोर करने के लिए माली समाज के सामने वाले पक्ष की महिलाएँ हैं जो यहाँ पर आई थी कल जन सुनवाई कलेक्टर साहब के पास, तो उन्होंने झूठा प्रकरण दर्ज कराने के लिए इनको आवेदन दिया था साहब को कि साहब ये हमारे से हफ्ता वसूली करते हैं, ये बालक हैं सब वहाँ पे दुकान लगाते हैं महाकाल लोक के वहाँ पे, तो ये बोले हमसे हफ्ता वसूली करते हैं, बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है, झूठा प्रकरण था ये, मतलब आवेदन झूठा था ये जो देने आए थे। वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर साहब चाहें तो वहाँ जाँच कर सकते हैं उसकी कि क्या सही हो क्या गलत। आए दिन यही रहता है, और आए दिन वो महिलाएँ बस ये इसी
ये मतलब आती है वहाँ पर केस केस को कमज़ोर किया जाए, ये सीधा सर 307 का केस है, दबाव बना रहे चाहते हैं वो केस केस को वापस ले लिया जाए। महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे आरोपियों का विरोध करने पर मैं हथियार युवकों ने पूरे परिवार पर किया हमला। देवास रोड शिवांश सिटी अभिलाषा कॉलोनी के सामने रहने वाले मुकेश पिता नारायण मालवी उम्र 25 वर्ष की बहन पानी भरकर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने उससे छेड़छाड़ की व विरोध करने पर युवकों ने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। आरोपी राजपाल पिता करण सिंह, सुरेश पिता हरि सिंह, लाल सिंह पिता सुमेर सिंह और जितेंद्र ने मुकेश की पत्नी राधाबाई, छोटे भाई सूरज, माता जमुनाबाई, काका बद्रीलाल, मामा की दो लड़की लक्ष्मी और मधु के साथ धारदार हथियारों से वार किए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाबत फरियादी मुकेश ने बताया। जी साहब, हमारी बहन के साथ में मतलब छेड़छाड़ी का आरोप लगाया गया है, उनके साथ में गाली गलौज करी है, पानी भरने जिसके बाद में वो पीछे पीछे आए और घर पर आके चिल्ला चोट करने लग गए और हमारे पूरे परिवार वाले के साथ में मारपीट करी इनने। कौन लोग हैं वो? ये भागरी समाज के हमारे पास में रहते, आए दिन झगड़ा करता रहते हैं सब। क्या नाम है उनका? उनका एक का नाम राजपाल है, एक का नाम सागर है, एक का नाम राजेश है, एक का नाम जितेन है, ये चार पांच है और एक का नाम उसका लाल सिंह है। क्या काम करते हैं ये? सर अटाले का काम करते, चोरी चकारी करते रहते हैं। अच्छा, पहले भी कहीं विवाद हुआ था? पहले साल भर पहले भी विवाद हुआ और आए दिन मतलब हर त्यौहार पे दारू पी के आ जाते हैं और घर पर घर के सामने गाली गलौज करते रहते हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और नंगी तलवारें लेके बैठते हैं सामने वाले। घर पे जाने की धमकी हम इस कारण से हमारे को 3 दिन हो गए, घर पर भी नहीं जाने दे रहे। घर पर जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हारे को जान से कभी भी मार सकते हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।